हेलो हाय गाइस, आई एम राहुल सोलंकी दिस अग्निकुला बैंड। और ये ब्लॉग बहुत यूनिक होने वाला है। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला ब्लॉग है, कभी लाइव ब्लॉग नहीं बनाया हमने। तो फाइनली मैं 5 महीने के बाद जा रहा हूँ जयपुर, क्योंकि जयपुर में मेरा 3 जुलाई को शो है। और ये ब्लॉग कुछ मेरे हमारे पूरे बैंड के ऊपर होने वाला है, अग्निकुला के ऊपर, कि हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग, किस किस तरीके से करेंगे, साउंड चेक किस किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम कैसे जा रहे हैं। तो मुंबई से हम जा रहे हैं जयपुर। तो अभी मैं उड़ चुका हूँ, सुबह के 6 और अभी मैं उड़ चुका हूँ। राजा उठेगा, पहले पहुंचेगा राजा स्टेशन, क्योंकि राजा भी पूरा सामान लेके स्टेशन जा रहा है। फिर मैं स्टेशन जा रहा हूँ, हम लोग साथ सारे के सारे हम लोग एक साथ वहाँ पे पहुंचेंगे, पूरी टीम वहाँ हो रही है। तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये लोग क्या और हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें, तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। बाय बाय। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली स्टेशन और राज आगे जा रहा है, सारे लोग पहुंचने वाले हैं। तो ये मैं लेके जा रहा हूं। तो गाइस, फाइनली प्रभु पहुंच चुका है। सुबह के बज चुके हैं वापस वही 5:30। तो उड़ जाइए सुबह आप, जयपुर आने वाला वेरी मॉर्निंग। तो फाइनली अब हम घर पहुंचने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं हमारे घर, मेरे घर, जहाँ पे मेरे एनजीओ के बच्चे और बहुत सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तो हम वो भी बताते हैं आपको कैसे मिलेंगे वो लोग, क्या क्या हमारे लिए तैयारी कर रखी है उन्होंने। फाइनली हम जा रहे हैं के रॉयल शो के लिए। तो ये है शुभम भैया, तो ये आज हमारा करने वाले हैं वीडियो शूट। और तो मैंने शुभम भैया को बोल दिया था कि भाई मेरा शो है, तो शुभम भैया बोला ठीक है फिर आज मैं आ रहा हूँ शूट के लिए। तो ये सुमित है, ये करण है। तो अभी हम जा रहे हैं शो के लिए के रॉयल। तो आगे बताते हैं हम आपको कैसे हम चेकअप वेकअप करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम। आमेर हमारे राजस्थान की खूबसूरती जो हमें इतिमान से बताता है। तो यह है आमेर, एक अभी आगे सामने कुछ दिखने वाला आपको, वो बहुत सुंदर है। सुंदर नहीं क्या बोले हम, लास्ट लेवल है, मतलब पार है। हाँ उसके सामने। तो भैया आप बताओ उनको, आप डिसिप्लिन करो कैसे। जयपुर अगर कोई भी बाहर से यात्री या कोई भी पर्यटक अगर कोई भी जयपुर आता है तो सबसे पहले उसको टूरिस्ट गाइड या कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर यही सजेस्ट करता है कि नाहरगढ़ और आमेर फोर्ट देख के आओ। और वो क्यों सजेस्ट करता है, उसका रीज़न क्या है, वो आप अभी अपनी आंखों से देख सकते हैं। मानसून के मौसम में यहाँ की जो खूबसूरती है ना, वो मसूरी के ही वातावरण को, वहाँ के एनवायरनमेंट को टक्कर देने वाली है। बराबर, नेचर को कहीं पीछे नहीं छोड़ता। बराबर।
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं होटल शोज के लिए। अभी जाएंगे साउंड चेक करेंगे, सामान पूरा आ चुका है, पूरी टीम एक साथ इकट्ठी हो चुकी है। अभी जा रहे हैं हम लोग साउंड चेक के लिए, तो मिलते हैं डायरेक्ट साउंड चेक में, आ जाओ। हम लोग पहुंच चुके हैं साउंड चेक पे, अब साउंड चेक करने वाले हैं स्टेज पे, सब रेडी, साउंड चेक करेंगे। साउंड चेक सुनाते कैसे साउंड चेक करने वाले हैं। हेलो गाइस, तो हम हो चुके रेडी, पूरी टीम रेडी है मेरी। अब हम जा रहे हैं शोज के लिए, साउंड चेक हो गया हमारा, साउंड चेक बताया हमने, अब जा रहे हैं डायरेक्ट बजाने के लिए। वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से बजाने वाले हैं, मैं आपको उसमें वीडियो स्टार्ट करके बताऊंगा कि हम लोग किसके लिए क्या क्या बजाने वाले हैं, और कितनी आज एंजॉय करने वाली है। तो शायद ये बहुत ज़्यादा नहीं बजा,